जबलपुर में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब ये खजरी क्रिया बाईपास का एक मेटल इंडस्ट्री है जहां कबाड़ या स्क्रैप खरीदने का काम होता है, वहां पर ये जो ये दिख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, ये एक बम विस्फोट जैसा हुआ। मेजर प्रशासन या पुलिस के लोग मांग रहे हैं कि मेजर विस्फोट है, उसमें देखिए पूरे परखच्चे उड़ गए। कहा जा रहा है कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों ने भूकंप जैसा झटका महसूस किया, उनके घर के खिड़की दरवाजे बजने लगे थे, कांच टूट गया, दीवारों में दरार आ गई। और अभी तक ये देखिए घटना हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया, 2.5 घंटे से ऊपर, लेकिन अभी भी वहां पर जो प्रशासन किया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है या फायर ब्रिगेड की टीम है वहां तक नहीं पहुंच पाई। अभी भी वो स्थान बहुत गर्म है और संदिग्ध है, वहां पर ये माना जा सकता है कुछ और भी विस्फोटक हो सकते हैं। विस्फोट की वजह क्या थी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ कैजुअल्टी भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी किसी भी तरह की कैजुअल्टी या घटना की वजह का खुलासा नहीं किया गया है। लगातार उस पर नजर रखी जा रही है, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग को ठंडा करने की कोशिश करी उस जगह पे। और ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया है वहां की जो बम डिस्पोजल की टीम है वो भी यहां पर आई है, वो ये देखने के लिए कि किस तरह का विस्फोटक है, क्या यहां पर हो सकता है, संदिग्ध चीजें हो सकती है। देखिए अब ये डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है यहां पर, उसके द्वारा भी संदिग्ध चीज या संदिग्ध वस्तु की पहचान की जा रही है और लगातार प्रशासन इस पर लगा हुआ है। घटनास्थल पर जबलपुर के कमिश्नर अभय वर्मा, कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, लगातार इस जगह पर निगरानी है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहने की कोई भी अधिकारी कहने की स्थिति में नहीं। और लगातार पुलिस का कहना है कि जैसे ही कुछ वहां स्पॉट पर पहुंच जाएगी टीम या करेगी, उसके बाद वो कैजुअल्टी हुई है नहीं हुई या किस तरह का विस्फोट हुआ उसका खुलासा कर पाएंगे। विस्फोट हुआ है, इस विस्फोट में आप देख रहे हैं गोदाम की छत उड़ी है, गोदाम की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है और ऐसी संभावना भी है कि वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी कैजुअल्टीज भी हुई है। अभी हमारी टीम से जब मौके पर गई है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पर दीवारें दरक चुकी हैं, उसके ऊपर जो शेड बना हुआ है शेड का जो मेटल फ्रेम जो है वो मेटल फ्रेम भी जो है वो गिरने की स्थिति में है। तो जब तक इसको ठीक नहीं कर लेंगे तब तक जांच दल को मौके पर ग्राउंड जीरो पे भेजना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। कैजुअल्टीज की संभावना है। ये जिस तरह की घटना हुई इसमें कुछ किस तरह की जांच की आपको? ये देखिए जांच करने के बाद ही पता पड़ेगा कि पहले तो ये मौके पे जाके एक दफे देख लें ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ है, उसके बाद किन लोगों को जांच दल में शामिल करना है और किस तरह का जांच की आवश्यकता पड़ेगी वो तभी कह पाएंगे। अच्छा, वीडियो में कुछ डिफेंस के एक्सप्लोसिव भी दिखे थे ऐसा कह रहे जो ये ऐसा लोग बता रहे हैं, मुझे जो मौके पर पहली बार टीमें गई थी उन्होंने भी बताया है, वो पूरी जाँच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। जबलपुर कलेक्टर ने कंफर्म किया है कि इस विस्फोट में कुछ कैजुअल्टी हो सकती है, मजदूर दबे हो सकते हैं, उनको जो स्थानीय लोगों ने बताया कि या जो फैक्ट्री के लोग हैं उनने बताया। और ये उन्होंने बताया कि अभी जो विस्फोट स्थल है बहुत खतरनाक है, वहां पर जाना तो जो टीम है बम डिस्पोजल स्क्वाड की वो टीम या पर कार्बेट भी वहां पर ही हमारे साथ कुछ उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी उनसे पूछते कि आप बताइए कि कैसा लगा, क्या हुआ उस समय? ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है और या इसकी जो आवाज है लगभग 8 से 10 किलोमीटर की रेंज तक गई है, जिससे लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं और लगातार यहाँ पे ऐसी गतिविधियां संचालित होती रहती है। आज से 3 से 4 साल पहले भी यहाँ AK-47 और आर्म्स मिले थे। आप बताएं कैसा, जब कैसा विस्फोट सुना, क्या लगा आपको? मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मतलब ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिससे लगा कि कुछ दीवारें हिल गई हैं और अचानक हम सपड़ा गए हैं, घबरा गए हैं कि हुआ क्या है। और हमारे आसपास के जो माहौल में इस तरीके से घटना होने के कारण हमें लगा कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा ब्लास्ट हुआ है और आसपास हम सूचना भी दी है कि क्या हुआ है। देखिए लोगों को बिल्कुल ब्लास्ट या धमाके जैसी आवाज आई, भूकंप जैसा लगा, आप बताए क्या कैसा लगा, क्या हुआ उस समय पर? हम लोग तो यहीं पास के रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा था कि वैसे पूरा घर गिरने वाला है, बिल्कुल एकदम भवांग से आवाज आई हुई थी, बिल्कुल हिल गया था पूरा। दहशत में आ गए थे सब? हम लोग दहशत में हुए थे, बिल्कुल डरे सहमे हुए हो गए थे। तो देखिए लोगों का कहना है कि जब विस्फोट हुआ तो एकदम से दहशत फैल गई, डर सहम गए, दीवारें हिल गई, खिड़की दरवाजे बजने लगे, तो ये जो विस्फोट है उसकी फ्रीक्वेंसी आप उसकी जो विस्फोट का गंभीरता है उसको आप इनकी लोगों की बातचीत से समझ सकते हैं। और प्रशासन की टीम जो है वो लगातार अंदर मौजूद है और वो उस स्थान पर जाने की कोशिश कर रही जहां पर विस्फोट हुआ था और ये कहा जा रहा है कि कुछ मजदूर वहां पर दबे हो सकते हैं। तो ये जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंच जाएगी तभी इसका खुलासा हो पाएगा कि कितनी कैजुअल्टी हुई है और किस तरह का ये विस्फोट था। अजय त्रिपाठी, ABP News, जबलपुर।